चाची बन गई माशाल्लाह बहुत सारे। पर हस्बैंड का भी पार्सल आया है और माहिनी से लेकर आई हैं, माहिनी ने रिसीव किया, चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ और ये पार्सल सही टाइम पर आ गया। कल जो पार्सल आया था माहिन वो तो हमें मार्केट में मिला था ना, और ये हस्बैंड का पार्सल है। जब वो आएंगे इसे ओपन करेंगे, तो फिलहाल तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई के घर फंक्शन है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मेरे जो दूसरे भाई हैं उनके घर में माशाल्लाह बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है, वो तो अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। अम्मी तो हॉस्पिटल पहुँच चुकी है, मैं जा रही हूँ भाभी के साथ हॉस्पिटल, और आगे के सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी खूब इंजॉय करिए। और माशाल्लाह इस बार काफ़ी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ हमें मिल रही हैं। भाई के घर बेबी हुआ है और दूसरे भाई के घर फंक्शन है, तो काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स होने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और अभी जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं फिर से फुप्पो बन गई हूँ। तो बस आगे के क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों की फुप्पो हूँ मैं, बहुत सारे भतीजी भतीजा है मेरे। इंशाल्लाह किसी दिन व्लॉग में आपको सारे अपने भतीजी भतीजा दिखाऊंगी, इंशाल्लाह हो सकेगा तो फंक्शन वाले व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह मेरे कितने ढेर सारे भतीजी भतीजा हैं, और काफ़ी बड़ी फैमिली है और काफ़ी हैप्पी फैमिली है। तो अभी का व्लॉग शुरू करते हैं, भाभी मेरा वेट कर रही हैं, काफ़ी बार कॉल आ चुकी है, तो बस मैं जल्दी से निकलती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको पता है मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, लेकिन बारिश के बाद जो मौसम होता है गर्मी का, वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होती है। तो बस अभी मैं फ़्रेश हो गई थी, तो मैंने जल्दी से सारे काम ख़त्म करे, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो चलते हैं, आगे के क्लिप्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, सब कुछ आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे, और काफ़ी खुश हूँ मैं, चलते हैं। यहाँ पर हिफ्ज़ा पढ़ रही है अभी सिपारा। हिफ्ज़ा का कौन सा सिपारा चल रहा है? अलिफ लाम मीम का। और उज़ैर अभी रो रहे हैं, उज़ैर की पिटाई लग गई है, और सब बच्चे अभी, हाँ हम नहीं जा रहे हैं, तुम्हें किसे देखना है? और ये बन गई है फिर से चाची चाची बन गई तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो मैं और भाभी अभी जाएंगे, बच्चों को घर पर ही छोड़ेंगे हम। हॉस्पिटल आ चुके हैं, चलते हैं रूम में देखते हैं, और आ गए अंदर। तो भी उसमें हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, और अभी मेरी गोद में है मेरे प्यारे से भतीजे, और ये पूरे 8 साल बाद आए हैं माशाल्लाह। मेरे भाई की 2 बेटियाँ हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो वो लेटे हुए हैं, लेटेंगे ही, अभी बहुत छोटे से हैं, और वो अभी रेस्ट कर रही हैं। भाभी भी, उनसे भी मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। और यहाँ पर अम्मी भी बैठी हुई हैं, और भाभी लेटी हुई हैं, अभी रेस्ट कर रही हैं, और उनसे भी आपको बाद में मिलवाएंगे जब वो घर चली जाएंगी, क्योंकि अभी वो रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं। तो ये रही हमारी 2 भतीजिए, और कैसा लग रहा भाई मिलकर? और बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी दोनों के, कब हमारा भाई आएगा, और माशाल्लाह आ गए। हाँ, आयजू ने तो बहुत दुआ मांगी है, इब्रा ने भी बहुत दुआ मांगी, क्यों? और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर मंशु भी आ गई हैं फिर से, मंशु भी कह रही हैं मुन्ना आ रहा है, दादी ने कहा मेरे साथ चलना, सुबह से तैयार है, चलो चलो, गोद में लेके बैठ गई। तो भी उस बच्चे से मिल लिए, अब चलते हैं घर पर, क्योंकि काफी देर भी हो गई है, माहिर हयात वेट भी कर रही है।
तो हॉस्पिटल से निकलते ही सामने बन रही थी गरम गरम पकौड़ियाँ, और शाम का भी वक्त है और मंशु का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बस पकौड़ियाँ लेते हैं और फिर जाते हैं घर पर। क्या? अच्छा, आलू नहीं खाते हैं बकरे? हाँ, आओ जल्दी आओ। माई नाउ अब आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है, चलो कल मिलेंगे। हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे तो हमने देखा यार इतना अच्छा व्यू आ रहा है इसके टॉप फ्लोर से, सो आई वाज लाइक टू कैप्चर दिस ब्यूटी। तो मैं बच्चों के कपड़े चूज कर रही थी जब तक, और यहाँ पर तीनों के तीनों पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या शैतानियाँ कर रहे थे। और आप देख सकते हैं ये रूम स्प्रे को भी चेक कर रहे हैं, और इस सेक्शन में आते ही सबको अपना फेवरेट याद आ रहा था कि हम ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, जैसे हमेशा बच्चे करते हैं, और वही मेरे बच्चे भी अभी कर रहे हैं। जो उनका फेवरेट है पता नहीं क्या क्या बास्केट में लेकर आए हैं और कह रहे हैं मम्मा आप ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। तो शॉपिंग तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि मैं काफ़ी ब्लॉग्स आपके साथ शॉपिंग के शेयर कर चुकी हूँ, तो बस मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे वही मैंने आपके साथ शेयर करे। तो ये बस विशाल के सामने ही डीडीपुरम में एक बहुत अच्छे बर्गर बनाते हैं, बस अल्तमश कहने लगे मम्मा आप इनका बर्गर ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट ट्राई करा जाए। नॉर्मली बर्गर ऐसा नहीं होता है, इन्होंने फ्राई कर कर दिया था। व्यूअर्स, बर्गर हमारा आ चुका है, खाते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो व्यूअर्स ट्रस्ट मी, बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और हयात भी खा रही हैं इस बार, जनरली वो खाती नहीं है, और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया बर्गर को। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, भाई के घर फंक्शन है तो मुझे लगातार बच्चों की अपनी शॉपिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और आज मैंने आपके साथ एक गुड न्यूज़ और शेयर करी कि भाई के घर बेटा हुआ है और माशाल्लाह सब लोग बहुत खुश हैं, भाभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मेरा भतीजा भी बिल्कुल ठीक है। तो बस आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और आगे के ब्लॉग्स भी हमारे बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि घर में फंक्शन है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।